बीजेपी में आ गया हाँ बोलो थे। मैं साहब की बात को बात कह ला रहा हूँ। मैंने बड़ी खुशी आज पहला आरोप लागता कि आंदोलन को कैप्चर कर लिया। आरोप लागता आज मैंने खुशी है कि सारा कांग्रेस वाले मेरे को कैप्चर कर लिया। सारा को मैं बड़ा आदर सम्मान करूं। और बीच की बात आपने बीच का वहाँ अटे पिछले घंटे डेढ़ घंटे जो आप सारा लोग आप अपना विचार रखे हैं जिसकी बात करी है मेरी बात को मैं स्वागत करा धन्यवाद देवा। और जो भी कांग्रेस पार्टी शुरू से हुई ये आंदोलन के वहाँ आपकी सक्रिय भूमिका निभान लाग रही। जब वो जिला कौन बनया भी पहला जी जिला कांग्रेस जिला बनाओ कमेटी बनेड़ी जगह धन्ना राम जी है बंसल साहब है लोग जगह भी कमेटी का मेंबर आ या अध्यक्ष आ है लगातार हर महीने मीटिंग करता बिम भी गलत उचित हर महीने से आगे आता बीन टाइम अपनी भागीदारी थोड़ी कम ही बीन टाइम से भी मैं जुड़े रहा। जिला बनने के बाद में जो आंदोलन हुआ बिम भी लगातार मैं जुड़े रहा। लेकिन मैं एक बात शुरू से ही कही कि मैं हिंसात्मक कोई प्रोग्राम होगा भी मैं शामिल को नहीं होगा। कोई शांति कोई प्रोग्राम होगा सरकार में कोई जायज मांग हो सी जायज तरीकों मांग होगी बिल्कुल भी मैं शामिल हुआगा। और मैं भी हिसाब से महाराज का कांग्रेस पार्टी का कोई प्रोग्राम आप मैं कराया भी आ और आगे भी कोई प्रोग्राम जगह स्टेयरिंग कमेटी माने देवेगी वह प्रोग्राम मैं करांगा। या दो तीन प्रोग्राम अभी जिया सुझाव आपने बीच के में आया है चाहे जयपुर पैदल जाने को है चाहे जयपुर जाने को है जिया भी प्रोग्राम आया है तो मेरी एक गुजारिश है कि कोई भी प्रोग्राम करो सोच समझ के पूरा टाइम ले के सारा की राय मशवरा करके सारा शामिल करके करो। आज पहला अचानक आप तय कर लियो कि आप जो है चक्का जाम करनो है ठीक है आप चक्का जाम करने में कामयाब रहा लेकिन संख्या के हिसाब में देखा तो आप कामयाब को नहीं। आप दो बार चक्का जाम कर लेकिन संख्या के हिसाब में आप दोनों बार कमजोर है। हालांकि ठीक है प्रशासन आपकी मदद करने लाग रहे हो आपने उद्देश्य ने भी आपकी मदद करा या फिर समझा वहाँ अपना सहयोग करो लेकिन अधूरा मन छू या अधूरी तैयारी के साथ काम करांगा जिया कुछ साथी टंकी चढ़िया तो मैं बिन भी जल्दबाजी में उठाएडो कदम मानो। अगर टंकी पर चढ़नो पूरी राय मशवरा करके पूरी तैयारी करके अगर टंकी पर चढ़ता तो प्रशासन तक आपनी बात जी और ज़्यादा जोरदार तरीके से बट पहुँचती। तो ईशा कोई प्रोग्राम ना करो जगह जल्दबाजी में करना पड़े जगह का रिजल्ट कमजोर आवे कमजोर रिजल्ट का माँ आप नुकसान हो सी। अभी जहाँ कई साथी कह रहे हैं कि मैं पैदल जाऊँगा जयपुर तो अब भी टाइम को नहीं जयपुर पैदल जाने का। गाँव में जगह लोग है किसान है वे सब खेत में लगे रहा है और वह लोग अगर आपने सागे प्रॉपर संख्या में नहीं हुएगा सिर्फ पाँच या दस आदमी हटूँ जयपुर चाल पड़ेगा जयपुर पहुँच जाएगा तो वह अपनी कमजोरी जाएगी। दूसरा मेरी गुजारिश है कि अब तक जगह प्रयास होया हर आदमी एक प्रयास करे कि यही आंदोलन को क्रेडिट मैं किया लेवा वह चीज छोड़ के हर आदमी अगर सिर्फ जिला बनाने का अभियान के माँ सर्वसम्मति से सारे दलों ने शामिल करके अगर ये प्रोग्राम ने करेगा तो ज़्यादा कामयाबी ज़्यादा मजबूती आएगी। आप बार बार अनूपगढ़ की बात करा तो अनूपगढ़ का बहुत सा उदाहरण है अपन सुनना चाहिए समझना चाहिए। 12 साल लगातार आंदोलन चलो जितनी भी बैठेगी राजनीतिक पार्टियां ही प्रमुख रूप में तीन पार्टियां ही बैठे बीजेपी कांग्रेस कामरेड हर पार्टी को आंदोलनकारियां मान सम्मान करो हर पार्टी आंदोलनकारियों मान सम्मान करो और पूरा पूरा सहयोग करो। जब भी कोई भी सरकारी चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारी चाहे कांग्रेस की सरकारी
जब बटेगा कोई मुखिया कन गया मिलन ने या बांगा मुखिया ढाया बांग डेलीगेशन मिलियो तो पूरो पूरो सौदलिए मिलियो। कोई पार्टी ने कदी दूसरी पार्टी का लोगों से कह बैठे गाड़ी कौन निकाली बा लोगों को एक समझो प्रयास हो कोई भी लागे दो माने जी लो चाहिए जकी मर्जी पार्टी लागे दो और यही वजह से मैं कामयाब हुए है। तो आपने भी वही प्रयास करना है। एक बात गंगा जल ताऊ जी की तरफ मैं थाने बताना चाहूँ सूरतगढ़ जिलो बनना चाहिए माने भी बात को श्रेय कौन सी मैं राजनीति करा लेकिन कल ने ई राज के अंदर भी अगर सूरतगढ़ जिलो बने तो आज ही पवित्र जगह पर खड़े होके थाने कह ला रहे आने वाले चुनाव के माँ मैं कदी ही सूरतगढ़ ने जिला बनाने के नाम पर थारे बीच में या जनता के बीच में जाके वोट कौन मांगेगा। मैं कदी ही बात को श्रेय लेने की कोशिश कौन करांगा कि सूरतगढ़ जिलो में बने 20 दिन भी आई बात कह जाएगा सूरतगढ़ जिलो बने हुए तो सारे लोगों की सब पार्टियां की सारी संघर्ष समिति की और जगह जगह आंदोलनकारी पार्टी में शामिल हा मुहिम में शामिल हा मां सारा लोगों के श्रेय छू मां सारा लोगों की मेहनत छू और सूरतगढ़ वासियों के सारे व्यापारियों की मजदूरों के जकी है हित छू या मांगे प्रयास छू सूरतगढ़ जिलो बने तो हमारी भावना है और ये भावना के साथ चलांगा मैं। और आज मैं थाने कहना चाहूँगा कि अब तेज की जिम्मेदारी दी है बिल्कुल भी जिम्मेदारी ना आगे लेके मैं स्वीकार करा सरकार मिलन खातर बात है गंगा जल ताऊ जी टाइम नोट करा रखे है मुख्यमंत्री जी बीमार हा ये जो टाइम अभी तक मिलियो कौन ही कुछ ठीक हुए है लेकिन जनता को भी मिलन कौन लाग रहा मारो 20 दिन भी तय हो और आज भी तय है थाने सारा अवगत करा दिया माने जिये मुख्यमंत्री जी को टाइम मिलेगो एकला कौन जावांगा संघर्ष समिति ने और सर्वदल का जितना भी मेंबर है जितनी भी पार्टियां जितना मेंबर है और जितना भी व्यापारी गण है मन सारा सागे लेके जाके मैं बैठा मुख्यमंत्री जी को मिलाना। और एक छोटी सी घोषणा मैं करना चाहूँ कि अब आज के बाद में ये धरने के ऊपर कांग्रेस पार्टी का 5 सदस्य जगह में एक जनप्रतिनिधि हो सी चुनेड़ो जनप्रतिनिधि हो सी 5 सदस्य रोज धरने के ऊपर एक दिवसीय आमरण अनशन करेगा कार्मिक अनशन करेगा तो सही हो गए राखी आगे वो जो भी थे हमारे को आदेश करोगा मैं पालना करूंगा। धन्यवाद बधाई शहर के सभी गणमान्य नागरिक अभी आज जो स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग है भाई उसके अंदर ठीक है विभिन्न सुझाव आए कि सीएम से वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए जिन लोगों की सत्ता के अंदर भागीदारी है उनके नेतृत्व के अंदर जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाए सीएम के पास और वार्ता करे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधि मंडल तो जाए भाई उसके अलावा जो शहर के नेतागण है भाई गणमान्य नागरिक है और सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं शिक्षण संस्थाओं के लोग हैं बहुत सी संस्थाओं के लोग हैं वो यहाँ पर भी पूरी तैयारी के साथ भाई हजारों की संख्या के अंदर यहाँ भीड़ इकट्ठा करें ताकि सरकार के ऊपर भी प्रेशर बने और जो सत्ता के लोग हैं ठीक है भाई साहब हमारे बीच के अंदर बैठे हैं गंगा जल जी हमारे बीच के अंदर बैठे हैं भाई और भी ठीक है सत्ता पक्ष के लोग हैं तो ये तो जाए ही जाए प्रतिनिधिमंडल के रूप के अंदर वो भाई और लोगों को ले जाए साथ में हमारा जो आंदोलन है जिला भाई बनाने की मांग को लेकर वो यहाँ पर भी हम मजबूत करें ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने। और एक बात और जो बात भाई कि जयपुर पैदल कूच की बात आई है तो जयपुर पैदल कूच या फिर डाक ध्वजा के रूप के अंदर भाई हम जाना चाहते हैं जिला बनाओ संघर्ष समिति भाई अगर भाई हमें आज्ञा देती है तो हम भाई हमारे साथियों के साथ जयपुर पैदल कूच या फिर डाक ध्वजा लेकर जाने के लिए तैयार है। सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं जो भी संघर्ष समिति आदेश करेगी भाई हम पीछे नहीं हटेंगे सूरतगढ़ को जिला बनाने की लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद इनकलाब सर फेसबुक पर उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिसने भी लिखा है उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं मैंने किसी को कह के ये नहीं कराया। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप जिला बनाओ संघर्ष समिति जो है मेरे लिए जो भी आदेश करेगी मैं दरी भी बिछानी पड़ेगी तो मैं बिछाऊंगा। मैं आपके साथ तन मन और धन से जिला बनाओ संघर्ष समिति के साथ हूँ। भाई हनुमान जी आदरणीय गंगा जल जी अगर वहाँ से समय लेकर जब भी चलने के लिए कहेंगे हम यहाँ से चलेंगे। और मैं ये समझता हूँ जैसा कि कहा जा रहा था बनेगा या नहीं बनेगा 100% अगर हम सब एक होकर जाएंगे तो सूरतगढ़ जिला बनेगा और हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो जब तक सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ नहीं होंगे
तब तक लोगों की ये राय थी भी हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा था भी अपने सीधे ही जयपुर चलते हैं, तो जयपुर जाने के लिए हमारे पास कोई पूरा वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी होती, और हम वहाँ जाके करते। और मेरे संपूर्ण वक्ताओं ने अपने अपने जो सुझाव दिए उसका मोटा मोटा जो लवाजमा जो निकल के जो सार निकल के आता है यही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय ले रहे हैं, और समय लेने के लिए जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी है वो लोग इसमें प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाएं। जैसे माननीय गंगा जी की मीत साहब हैं, अनुमान जी हैं, ये अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय ले रहे हैं, और समय लेकर यहाँ पर पूरा वर्कआउट करके अपने तथ्य सहित हम अपना पक्ष वहाँ रखें। ये नहीं हो किसी का जाके जाएँ कि करके जाए जो तर्क पे खरा उतरता हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने वो अपनी बात को रखें। और मैं ये मानता हूँ कि हमें आज झंडा और डंडा उसकी राजनीति से को छोड़कर जिले की राजनीति पे हमें एक मत होकर एक राय होकर हमें वो कार्य करना चाहिए। अगर हम इसको सही मन से करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब ने एक राय होकर एक बात कही है कि जो सत्ता में जिनकी भागीदारी वीर परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है जिनको आज तक इस बात से रूबरू रखा गया है, या यूँ मानिए कि इनको ऐसा लगा कि हमें उपेक्षित रखा गया है, मैं अध्यक्ष महोदय जो हमारे जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय हैं का कोई भी पार्टी हो कोई भी संगठन हो सबका मान सम्मान और उनको उचित मान सम्मान मिले और इस संघर्ष को हम आगे इसकी लड़ाई को हम जीत पाएँ तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और मान सम्मान करना हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। और जो कि मेरे संघर्ष समिति जो भी तय करेगी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी मैं तन मन धन से उसको पूरा करने की सब कोशिश करूँगा। इन्हीं सब संघर्ष समिति के अध्यक्ष कृष्ण जी सभी यहाँ विराजमान हमारे साथी मातृशक्ति प्रेस से जुड़े हमारे साथी सबको इस पवित्र भूमि पर सत श्री अकाल। देखो ये मानव स्वभाव है, कहने को कुछ भी कहो हमने तो घर में बैठ के तय कर लिया, अपने यदि जिला बनता है तो अपने ये कहेंगे ही नहीं कि हम ये कांग्रेस की वजह से मुकवाए, क्योंकि लोगों की भावना हर एक की है। हाँ है अलग अलग तरह से, कोई कहता मेरे को इस बहाने टिकट मिल जाए तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, दूसरा कहते कि मैं बीकानेर जाके टिकट मांगू उसे माने तो ठीक है, तीसरा कहते मैं वहाँ धरने में बैठ जाऊँ तो था कहते मैं टकीब चढ़ जाऊँ नहीं ठीक है। ये भी एक तजुर्बे की चीज़ है, आज तक अपने निष्कर्ष निकाल लिया और ये लास्ट मीटिंग अपनी सबने समझ लिया कि यही रास्ता है, वो रास्ते इधर उधर भागने से अपने आप कोई अपनी कोई स्टेज संभाल लेगा धक्के से कोई और कर लेगा किसी को गाली निकाल देगा किसी को कुछ कर देगा वो कोई फायदा नहीं है, उससे कोई शहर में एकता नहीं बढ़ती किसी का हौसला नहीं बढ़ता। तो अब कुल मिला के अपने निष्कर्ष पर पहुँच गए और ये आज के बाद समझो कि आज से अपनी कार्रवाई शुरू हो रही है, पीछे की कार्रवाई किसी ने गलती की है किसी ने शाबाशी ली है किसी ने दी है वो जाने दो, जाने तो का मतलब अपनी गई हुई वो बात है उस वक्त कोई अपना तथ्य नहीं निकला। और अब परमात्म परमात्मा सा तो अपने कोशिश करेंगे अपनी फलीभूत होगा, क्योंकि असल बीमारी ये भी पहले भी 19 जिले बन गए तो 19 जिले की मात्रा बहुत होती है, अपने कह ही देते हैं तो बढ़ देती है कोई सारा बढ़ जाए तो नहीं बढ़ जा रहा, अरे आप तो दौर लगाए जहाँ फिर प्रॉब्लम आवे वहाँ में दिक्कत की बात बताऊँ थाने भाई साहब एक बात है तलक अगर सही ले जाकर तो बड़ा को पक्को बड़ा को यार मैं थाने कह दी थी मैं तो रहते मेरे मन बना की बात पर हम कैसे पढ़ने पड़ोगे नहीं आप शंका तो मैं कोशिश तो करेंगे शंका भी है आपने क्षेत्र में और जिस अपने एरिया क्यों मिले हो एरिया जो तिरंजित तो सुरतगढ़ विधायक है सुनो ये बता दो कौन सा एरिया हो रहे हो।
बाकी मत मारो कर क्यों सरकार को आनंद कराने अरे बाकी चुप रहो भैया अरे बात सुनो सारे चुप रहो एक को बोले दो यदि अपना जिला बनता है बनेगा नहीं बनेगा तब भी हम जैसे रहेंगे लोगों के मन सही है भी हम सूरतगढ़ के साथ रहे उसके लिए तो कोई सीख नहीं रहे हैं लेकिन यदि जिला बन गया तो वो अपना तो डुबडी आ जाएगा जय सरबाला तो लेकिन चलो कोशिश करते हैं सबके मतलब बीजनर वाले अपने साथ आना चाहिए आज भी वो बीजनर वाले व्यापार मंडल वाले और आगे गए हैं नगर पालिका वाले रोड में समाज ने वहाँ से और वहाँ पे अपने सरपंच है ना ठीक है सर खत्म हो रहा पूरे साथ मिला देते हैं अपने साथ आ जाए सुनो उसमें क्या है कि जो अभी जो इस समय बीजनर का प्रधान है ना वो दस सरकार एकजुट हो गए कोई बात भी कही आप भेड़ा बैठे नहीं अपनी इस खर्चे को संवार सकने में खर्चा करने की स्थिति में नहीं है तो एक डाक ध्वजा चलती है जिसमें 24 घंटे पैदल एक आदमी चलता रहता है बदल बदल करके तो वो भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से अपने पास तीन तरह के सुझाव आए हुए हैं एक तो है कि जयपुर जाना जयपुर जाकर के वार्ता करना और दूसरा रेल भरो आंदोलन और तीसरा ये पदयात्रा करना इन तीनों बातों पर क्योंकि ये स्टीयरिंग कमेटी ही इस शहर की प्रमुख व्यक्तियों की और भागीदारी निभाने वाले व्यक्तियों की और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जिसकी हमें ज़रूरत है इस शहर को ज़रूरत है ऐसे लोगों की संचालन कमेटी है और चूँकि ये हमारा सदन है तो हम इस सदन के अंदर मर्यादा पूर्वक अपनी बात रखेंगे और दूसरा जो भी हम बात रखेंगे क्योंकि हम आज पल्लू भी अगर डायरेक्ट देखा तो पल्लू भी हनुमानगढ़ शायद 90-100 किलोमीटर होगा और आप 50-60 किलोमीटर या ज्यादा दूर कौन ही नहीं तो आम बातों पर भी आप जना गहलो जी कने जावा तो आ चीजा को भी एक आपने कोई एक नोट तैयार करना चाहिए भी यह सारा क्षेत्र मिले तो मैं प्रस्तावित अनूपगढ़ जिला हूँ मारो बड़ो क्षेत्र है गणेश का ग्रुप ही अपने भी मान्य निवेदन है कि वह आपस की आपकी मीटिंग करके एकजुट होकर मैंने आपको प्रस्ताव रखे हैं बड़े मिलना उग्र है पूजा भारती जी है अंग संबंध है अपने अशोक रजुआ है अन्य भी सागे लवे सागे लेके प्रयास बढ़िया करें उनको भी मैं ले जाऊंगा अपने अपने ही हर्जे खर्चे पे सब कुछ मैं करूंगा लेकिन हम सब एक मंच पर इकट्ठे होकर हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि सूरतगढ़ जिला बने अभी भाई विष्णु जी कुछ कह रहे थे कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा अध्यक्ष साहब से कहना चाहता हूं कि जब तक मंच पे कंट्रोल नहीं होगा मंच पे हर वक्त आदमी आता है कोई भी आदमी अपना समर्थन करे जिस प्रकार से पहले बार डूंगराम जी आए हम उससे बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो ये कोई विषय थोड़ी है या हमारे कोई से नेता जन आए रमानी ने इतनी बार मीटिंग में कहा कि आपको हमारे सूरतगढ़ को जिला बनाने के संबंध में आप आज यहाँ बैठे हैं अनशन पर आपके क्या विचार है सूरतगढ़ जिला बने सबसे प्रमुख विचार यही है और इसी के लिए आज जो है कांग्रेस पार्टी ने ये प्रण किया है कि जब तक सूरतगढ़ जिला नहीं बनेगा तब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 कार्यकर्ता जिसमें एक जनप्रतिनिधि होगा रोज एक दिवसीय कार्मिक अनशन पर बैठेंगे और सूरतगढ़ को जिला बनाने की जो मांग है उस मांग के अंदर जो हमारा सहयोग है उस सहयोग को हम रखेंगे पूरी तरह से और सूरतगढ़ जिला बनाओ मुहिम को हम जो है हमारी तरफ से जितनी जितना बल हम दे सकते हैं जितना सहयोग कर सकते हैं जितनी ताकत दे सकते हैं वो कर सकते हैं कालू राम जी बूढ़े शिक्षक हाँ और
करो, बात सुनो पूरी। आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि अभी तक जो हमने किया, जिसके भी मन में जो भी पड़ा रही है, जो भी जो निकाली, उन सबको हम भूल कर हमें आज से नई शुरुआत कर देनी चाहिए। सब कुछ भूल जाए और सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए जो भी अपना योगदान देना चाहता है उस योगदान में लग जाए। इससे पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन सब चीज़ों को भूल कर केवल एक ही मिशन रखें और एक ही मकसद रखें कि सूरतगढ़ को जिला बनाना। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि सूरतगढ़ जिला राजनीतिक दबाव से ही बनेगा, और जब तक राजनीतिक दबाव नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा भी निवेदन यही है कि हनुमान भाई साहब बैठे हैं, मेरे आदरणीय मेरा पिता तुलजा गंगाधर मीर साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई डूंगरराम गेदर जी साहब बैठे हैं, उन सबसे मैं यही निवेदन करती हूँ, आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए और जैसे भी हो आप सूरतगढ़ जिला बनाने की बात प्रमुखता से रखिए और हम सब शहरवासी जो भी है सब मिलजुल कर जितने भी हो सकेगा मिलकर एकजुट होकर ये बताएंगे कि हम सब एक साथ हैं, एक मंच पे हैं, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई किसी का नहीं, हम सब समाज के लोग इस पवित्र कार्य सूरतगढ़ जिला बनाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक सूरतगढ़ जिला नहीं बन जाता। इसलिए जो सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी उस सत्याग्रह में सूरतगढ़ के वासी ने, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया, युवा शक्ति ने जितना बड़ा योगदान दिया उसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस इन सब का जो योगदान है, जिसकी तपस्या है, वो तपस्या विफल ना जाए, इसलिए सभी गणमान्य नागरिकों से यही कहूँगी कि आप सब मिलकर एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति का जिम्मेदारी आप जिस जिसको भी जैसे भी सौंपेंगे उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो भी मुझे काम सौंपेंगे उसके लिए मैं हमेशा सूरतगढ़ जिला बनाओ स्टेयरिंग कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हैं, गंगा जल जी हैं, हनुमान जी हैं, केदर साहब हैं, उनको सारों को ले आओ साथ में। पूजा छाबड़ा जी बैठे हैं, इनको भी ले आओ साथ में। बाकी चुप रहो सब। हाँ गगन, कई जब आंदोलन शुरू हुआ तभी मैंने आप सबसे निवेदन किया था, मंच से माध्यम से भी किया था कि जिससे मांग रहे हैं उसी को गाड़ी निकाल रहे हैं। चलो अभी हमने थोड़ा ट्रैक बदला, जैसे भी आए हैं सीएम साहब तक जाने की जो अपनी मांग है उसके लिए सामूहिक सारे प्रयास करेंगे। आदरणीय पूर्व विधायक गंगाधर जी भील साहब बैठे हैं, बलराम अंकल जी बैठे हैं। रही बात वक्ताओं की, मंच की, और वास्तव में जैसे राकेश ने कहा उसमें मेरा भी नाम था कि उसको नहीं बोलने दिया, उसको नहीं बोलने दिया, इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। कल वास्तव में मेरे साथ जितने भी है रामू और सिकंदर और ये बैठे थे, हम सब पीछे जाके ही बैठे हुए थे कि रोज़ रोज़ अपने ही बोले जाएंगे तो दूसरा क्या बोलेगा। वही 15-20 जाने वही बातें, जिला यहाँ था, हनुमानगढ़ बनना था, चूरतगढ़ नहीं बनना, वो बन गया है, तो बातें वही है सर। हमें आगे क्या करना है, आगे इस आंदोलन को कैसे ले जाना, नए वक्ता बोलेंगे, नए विचार आएंगे तो उसमें नई नई बातें भी निकल कर आती। रही बात कटाक्ष की, तो किसी ने किसी पर कभी कभार चलो बोल दिया, लेकिन अपने सब इसको मुद्दा ना बनाकर, क्योंकि अगर JNU या किसी कासनिया जी की बात करें या हनुमान जी की बात करें या किसी की भी बात अपने करें, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ अपने ना वहाँ करनी है ना यहाँ करनी है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, अगर ऐसे ही अपने चलता रहेगा तो इससे अपने खुद के अंदर डिस्प्यूट्स पैदा हो जाएंगे। आपसे यही निवेदन है कि इसको साझे आंदोलन को जैसे चल रहा है नई तरीके से उसको चलाएं, हम आप लोगों के साथ थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। जय हम जब इसमें लग जाते हैं मुद्दा तो पीछे छूट जाता है और स्वार्थ को आगे लेके आते हैं कि यही मंच है, वो इस तहकर सी ढोलकियां बरस, तो ऐसा संभव नहीं है। राज के जो लोग हैं वो राज से नजदीकियाँ रखते हैं, उनकी बात को बड़ी प्राथमिकता से सुना जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। साझा कार्यक्रम मनाए, वो लोग राज से बात करें, संघर्ष को तेज करने के लोगों का राज भी उस कंडीशन में पुनर्विचार के अंदर, राज भी उस कंडीशन में करेगा जब यहाँ हजारों हजार लोग एकता का परिचय देंगे, तभी विधायक जी कहेंगे
ये जो सूरतगढ़ का आम आम बच्चा बच्चा इस बात की डिमांड कर रहा है, जरूरत है जिले की, लोग सारे लामबंद है, तो निश्चित तौर पे अगर साझे डिमांड मानते हुए साझे मन से आ रहे हो, ईमानदारी से आए और पूर्णतः सच्चे मन से आए, मुद्दे को आगे रखें और संघर्ष करें। आज संघर्ष समिति के सभी मेरे आदरणीय बंधुओं इस गुरुद्वारा पुण्य स्थान पर पधारे, विशेष रूप से पधारे हमारे पूर्व विधायक नील साहब, मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि बातें तो बहुत पिछले लंबे समय से हो रही है, नील साहब भी आज पधार के हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये जो जिले ज़्यादातर बनाए जाते हैं राजनीतिक नफे के हिसाब से बनाए जाते हैं, इसलिए सत्ताधारी पार्टी का इसमें साझा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बंधु अब सारा कोरम पूरा हो गया है और पूरे क्षेत्र के सभी संस्थाओं ने आमजन ने हमें आपको सहयोग दिया है, इसमें लंबा इसको ज़्यादा विलंब न करते हुए इसमें आप एक अच्छी रणनीति बना करके जिसमें 100-150 आदमी का डेलीगेशन जयपुर लिया जाया जाए, चाहे नेतृत्व तो कांग्रेस का उसमें दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसमें गहलोत साहब से मिलकर जो क्षेत्र के नॉर्म्स पूरे करते हैं या जो छोटी मोटियां कमियां जैसे अभी उन्होंने बताया कुकड़वाल जी ने कि तहसीलों की जो कमियां उनको साथ के साथ पूरी करके और इस जिला बनाओ प्रोग्राम को सिरे चढ़ाया जावे, इसको हम अगर एक एक बात को किस्तों में लेंगे तो मेरे ख्याल में आदमी एक समय के बाद थक जाता है, तो सारे प्रोग्राम को एक मुश्त ले जा करके इस जिला बनाओ अपना जो उद्देश्य इसको पूरा किया जाए, और इसमें जो भी आर्थिक भार पड़ता है सक्षम व्यक्ति से सभी से आर्थिक भार उसको लिया जाए, जिससे कि ये काम सिरे चढ़े और इसमें विलम्ब ना करें, हम पिछली बातों को भूल जाए, सारा क्षेत्र सारा शहर एकत्रित हो गया जिस हिसाब से लग रहा है, तो इसलिए काम को आज ही रणनीति बनाकर इस पे शुरुआत की जाए। जय हिंद जय भारत। कुछ वक्ता इस मुद्दे को भड़काने मंच का माखा बाप ना हो आखा बाप, प्लीज हमें एक मुद्दे पर बात करनी है, ये आंदोलन जिला कैसे बने इस पर बात करनी है, मैं किस बात के रिपोर्ट क्या बोला, किसने क्या मीडिया पिट दी है, किसने क्या अखबार पर लिख दी, लिखेंगे डेमोक्रेसी लोकतंत्र अपनी बात लिखेंगे, इसके जवाब बना करोगे, देश किस वजह आगे बना करा देगा, किसने क्या लिखी है, अच्छी बात है लिख रहा है, आलोचना भी आता बच्चों आलोचना भी कर लो, जो कोई आलोचना कर रहा है उसकी आगे आत्मलोचना भी करनी चाहिए। सवाल एक ही जिला के साथियों, बड़ी पार्टियों में से कांग्रेस में जो बीजेपी उसमें एक विधानसभा दो आदमी प्रतिनिधि करते हैं, हारने वाला है जीतने वाला, हमारे यहाँ से प्रतिनिधि करने वाले अटबाजी मिल है जो कि हमारे पिछले कांग्रेस यहाँ कैंडिडेट थी गंगा जो जी एक्स एम एल ए ने इनकी बात सुनी जाती है, नॉमिनेट लोगों की बात सुनी नहीं जाती, अगर नॉमिनेट लोगों की बात सुनी जाती तो आज से पहले आपकी बात हो जाती, वो ब्रेक नहीं लगाते आप सर पर कभी, तो फिर कहते उनके घर पड़ गए तो भूल भी बड़ा चुनाएंगे, आप साइड से निकल रहे हो गंगा जो जी तीन बार जाके इस मंच के ऊपर अटबाजी, तीन चार बार जाके इस मंच के ऊपर आप उस रोड से निकल रहे हो, ब्रेक लगाना पसंद नहीं करते आप, आपके दोनों जो जाना पसंद नहीं करते होंगे लोग जो करेंगे, कौन क्या करते हैं इसे मतलब नहीं, एक ही मतलब है आज को टाइम मिल सकता है तो नागी ले सकते हैं गंगा जल भी, आप मेरे कुलदीप इंदौरा चला गया और सुन ले यार बात यार कुलदीप इंदौरा ने कुलदीप इंदौरा ने पहले बात करके सीएम साहब से मिल के टाइम लेके फिर भीड़ लेके गए, टाइम लेके नहीं उसके बाद में भीड़ लेके गए, ये टाइम ले ले सीएम साहब ने हजार आदमी ले गए, हजार आदमी तैयार तैयार बैठे, दो हजार के दो हजार लेके चल पड़ेंगे, लेकिन सर सीएम नहीं मिले तो वहां जाके गेट के आगे थोड़ी बैठना है, आगे बैठने का कोई मतलब नहीं है, ये शायद जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है सूरतगढ़ सुजानगढ़ के बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है, घर पर न्यूज या गलत न्यूज या फेक न्यूज जब नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात है इसमें ये सक्षम नहीं है, मान जी टाइम देखो ना तो ये टाइम ले ले सीएम साहब से बात कर ले, कितने आदमी आने हजार हजार का डेलीगेशन चले जाएगा, दो हजार का देखिए दो हजार आदमी चले जाएगा, बात तो वार्ता पर सीएम से वार्ता करनी है,
इससे नीचे वार्ता करने का कोई मकसद नहीं है। अब ये क्षेत्रफल आप समझा रहे हैं, ये मीटिंग है हमारी, इसमें क्षेत्रफल समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब जानते हैं सर। वो कुछ सारे बताने वाले लोग बैठे हैं, कौन से एरिया कहाँ से आ रहा है, कौन सा लेना है, किसका लेना है, सारा आदमी क्या स्थिति है, रूपगढ़ में घोषणा कर दी, स्थिति क्या आ रही है, छत्तीसगढ़ खाद जो आना बीजेपी में जाने चंद्रगढ़ खड़ी हो गया उसका डिस्पोजल कैसे होगा, क्या होगा, वो सरकार जाने। जब तक डिवार के से नहीं हो, जब तक आगे को मतलब नहीं है, उसका गोरी तहसील कहा जा रही है, अचानक डिवार के से होने के बाद में ये जब चुनाव में जिला बड़ा पैमाना से गुड़ों पर ये राम पर प्रेम पर सारे लोगों ने लिख दिया था कि हमें इसको सूट करना था। लेकिन डिवार के से होने के बाद में नहीं खबर लगी, क्योंकि बाद में पता लगा ये हो गया। कुछ दिन के बाद लोग कहते पहले लड़ाई नहीं लड़ी, पहले किस बात की लड़ाई, ये कल्पना नहीं की जा सकती कि राजस्थान में भी झील है, बड़े उसमें सूट कर गया था। इससे हमारा एक ही टारगेट है कि ये डैम मिले, जिनमें कहीं हमारी गई हुई जूट तो पहले बात हमारी तो जूट भी है, तो भी हम जाके के वापस ये तैयार है और ये टैम देखे पूरा डेलीगेशन मिलके अपनी बात समझाए। ये बात है, भाषण आप कितने दे करो, वहाँ 50 आदमी बोले, 20 आदमी और मिलते और बोल लेते, क्या फर्क पड़ गया है, नहीं बोले तो क्या फर्क पड़ गया। इस वास्ते ये छोटे छोटे मुद्दों पर बात बता दी, हम मूल मुद्दों से बढ़ेंगे, इसलिए हमें मूल मुद्दा एक ही है, ना पार्टी है, ना डंडा है, ना झंडा है, झंडे झंडे ये सब से बाहर निकल जाएंगे, हमारे झंडे हमारे पास है, दूसरा आपके आपके पास है, कौन लोग का डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, दिशापोल क्या सूर्य पूर्व विधायक जी मिल साहब, पूर्व विधायक नागपाल जी, समाज पंच और जिला बनाव संघर्ष समिति का आज हम लोग का लेख मिला हो गया और बाकी राकेश जी ने जो बात की थी भी इस पेज के ऊपर जो है संचालन सही नहीं होने से जो मनमर्जी आए बोल देते हैं तो आए उसको सम्मान नहीं करते, क्योंकि संचालन करता भी हमारा सही नहीं था, उसको पता भी नहीं है, खाली जे एन यू में पढ़ने से या कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं आता। हाँ व्यक्ति के दरों उतना बात करो आगे, जब तक कोई संस्कार पूरा नहीं होता आदमी का संचालन करना है, तो मैं कहूँ भाई आए रहे जनप्रतिनिधि है, उखड़ा पड़े वो फिर तो मेरा निवेदन ये है कि भाई आज तो कल जैसे मदन जी ने कहा था कि सरकार मेरे को कहा आप सहयोग नहीं करते, तो मैं मंच पे आप गाड़ी निकालते हो सहयोग कौन करेगा, वापस रहता कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत मुर्दाबाद फलाना मुर्दाबाद, तो मैं इसमें सहयोग करूँ, जब तक हम लोग साकेले से जिला मारू आज मैं निकाल, तो आज मदन जी दिया कोई भगवान बाप ने हम करी, तो विधायक जी ने निवेदन किया, विधायक जी सहमत हो गया, सारी बात है लाग रहा तो हाँ, पर मन में कोई दिमाग ना आई भी है, आपने दिमाग में बात चीज विधायक जी ने जितना भी है सारा अपने अपने जनप्रतिनिधि है वहाँ सारा ले गए और आगे तरफ हम अन्य सारा जगह जगह भी चलना चाहे सारा सब ने ले गए और सीएम साहब ने टाइम ले गए थे, दो चार दिन हमें ज़्यादा लेट फोन कर लो उसके दो चार दिन हम यहाँ समाचार आ रहा है आज चलिए सीएम साहब की मंत्रिमंडल तो जल्दी को निर्णय हो जाए तो ये यहाँ से आप मिल जाए, तो मेरा निवेदन है कि जल्दी दो चार दिन हम टाइम लेंगे और जितना भी लोग 400-500 जितना भी जाना चाहे सब मिल लेंगे और बिल्कुल ही पूरा तन मन अगर धरण लगाएंगे तो जिलों जरूर बनेगा, जितना क्षेत्र पर सूर दौड़ गए जितो रूपड़ हुई जितो है जितो ही आपने, बट तहसील जरूर तैयार है पर तहसील को नहीं इतनी बात है, बाकी जितो क्षेत्र पर अनुपड़ गए जितो आप में कोई दो राय को नहीं नए पे में कोई बदया नहीं फिटा है, सूत्रण का जितना क्षेत्र है उतना ही अनुपट गए, तो जिला बनाने में कोई कमी नहीं है, क्षेत्र यहाँ दूरी चलो मान लो ठीक है अपने गगन से मिलते हैं तो ये गोविंद सर माइले टिकट जाके 150